अच्छा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि गवर्नमेंट कॉलेज में क्या सीट मिल जाएगी जनरल कैटेगरी को या रिजर्व कैटेगरी को। दूसरा ये पूछा जा रहा है कि क्या हमें सीट मिल जाएगी, कट ऑफ क्या जाएगी। इन सभी के जवाब जो है इस वीडियो में मिलेंगे। क्लियर कट ऑफ आप जिसको बोलते हैं, जब इतनी स्ट्रेटिफिकेशन होती है डिवीजन की डिवीजन की डिवीजन, तो कट ऑफ सीधी बताई नहीं जा सकती। यहां पर आपको सीट मिलने के लिए जो फैक्टर मैंने लिस्ट किए हैं, वो सबसे पहले मार्क्स है, स्कोर है। मार्क्स या स्कोर से आप कोई अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितने आपको मेरिट सीट मिलने या ना मिलने, या जहां आप चाहते हो वहां मिलने या ना मिलने की। सिंपल बात है कि मैं एक वर्ड बोल देता हूं, एक सेंटेंस बोल देता हूं, टेंशन की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा कम कैटेगरीज होगी जिनको थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो सकती है कि यहां वो चीज सीट चाहते थे वहां नहीं मिली। लास्ट तक वो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, फर्स्ट है आपका रैंक और स्कोर। आप कहते हो कि मेरे इतने स्कोर है, मान लीजिए 78 है, तो मुझे सीट मिल जाएगी। इसका कोई मीनिंग नहीं है, मार्क्स का कोई भी मीनिंग नहीं है। मार्क्स के मीनिंग इन रिलेशन टू रैंक है। रैंक आपका क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, रैंक ओवरऑल यूनिवर्सिटी पंजाब में बताती है तो भी आपको बहुत क्लियर नहीं होगा पहले। अगर सब्जेक्ट वाइज बताती है, कोटा वाइज बताती है, या कैटेगरी वाइज बताती है, तो नेचुरली आप कैटेगरी का जो एससी कैंडिडेट होंगे उनकी कॉम्पिटिशन एससी से होगा ना, दूसरे लोगों से नहीं होगा। जनरल का जनरल से होगा, तो उनकी मेरिट कैटेगरी वाइज मायने रखेगी, उसके अकॉर्डिंगली सीट अलॉट की जाएगी। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि आप जिस सब्जेक्ट के हो, जिस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो, ये भी एक प्रॉब्लम है कि आप दो के लिए तीन चार पांच छह सात आठ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके बनते हैं, तो आपने चूज कौन सा करना है। दूसरा कि सब्जेक्ट आपके की अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स कितनी है उस कॉलेज में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर रैंक भी आपको क्लियर कट नहीं बता पाएगा। घबराने की क्यों जरूरत नहीं है, वो मैं बता देता हूं। अच्छा, अगला फैक्टर है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। आप कह रहे हो कि गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल जाएगी। अभी एक दो दिनों में ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की लिस्ट गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर डिस्प्ले कर देगी। आपने देखना है कि जिस सब्जेक्ट को आप चाहते हो, यहाँ गाइडेंस की जरूरत है कि आपने गवर्नमेंट कॉलेज को प्रेफर करना है या बेस्ट बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को प्रेफर करना है। अगर तो आपके बेस्ट जो कॉम्बिनेशन आप कंसीडर करते हो, जहां अपने टीचर एजुकेटर की गाइडेंस लेके बेस्ट निकालिए, उस पर डिफरेंट बात करेंगे दूसरी वीडियो में। मान लीजिए आपने वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फाइनल कर लिया है कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ये है, सेकंड ये है, या थर्ड ये है, तीन प्रेफरेंस बन गई है, और आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं है, तो आपको फिर डिसीजन लेना थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। दैट इज वाई सबसे पहले ये देखिए कि गवर्नमेंट कॉलेज में जो आप सब्जेक्ट चाहते हो, आपकी प्रेफरेंस है, वो अवेलेबिलिटी है। अगर वो अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हो सकता है कि आपको बेटर गाइड इस तरह से किया जाए, या आपका जो भला है ऐसे हो कि आपको सब्जेक्ट को मेंटेन रखते हुए कॉलेज को चेंज कर लें जिस कॉलेज में अवेलेबल है। इट मींस आप गवर्नमेंट कॉलेज को प्रेफर करके नेचुरली एडेड कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में चले जाओगे, क्योंकि बाकी फैक्टर भी आपने कंसिडर करने हैं, फीस का, डिस्टेंस का, लोकेशन का। मतलब कई हाई रैंक वाले बच्चे जो है, रैंक हाई है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कॉमर्स में, कॉमर्स के आप स्टूडेंट हो और आपका हाई रैंक है, और गवर्नमेंट कॉलेज जिस कॉलेज में आप लेना चाहते हो वहां कॉमर्स का कॉम्बिनेशन ही नहीं है, तो आप नेचुरली आपके लिए वो ऑप्शन बनी नहीं है। आगे चल के बताता हूं कि गवर्नमेंट प्योरली कॉलेज है कहां और क्या आपको वहां पर सूटेबिलिटी है, तो ये बात हो गई। अच्छा, अगली बात जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको टेंशन आपको रिड्यूस करेगी, टोटल सीट्स कितनी है बीएड की पंजाब में, 22,000 के करीब है। ठीक, एग्जैक्ट मैं आपको लिस्ट अभी दिखा देता हूं, एग्जैक्ट कैलकुलेट करनी है वो भी कर लीजिए। टोटल 204 कॉलेज है, ये देखिए 204 कॉलेज है, लगभग 100 सीट्स हैं 90% में, और 5% में 200 के करीब हर कॉलेज में सीट है, और थोड़े से कॉलेज हैं जिसमें 50-50 सीट है, तो नियरली ये 21-22 हजार के करीब आपकी सीट्स बन रही हैं। नंबर एक,
और ये देखिए कि रजिस्टर कितने कैंडिडेट हुए हैं, फिर 13,982 कैंडिडेट रजिस्टर्ड हुए हैं। ये रजिस्टर्ड कैंडिडेट की गिनती थोड़ी सी ज्यादा होती है, हमें देखना है कि अपियर कितने हुए हैं, जो कॉमन बीएड एंट्रेंस टेस्ट हुआ है उसमें अपियर कितने कैंडिडेट हुए हैं, वो है 12,892 है ना। ये मान के चलिए कि 13,000 के, अब एक तसल्ली हो गई कि 22,000 के करीब सीट्स हैं और 13,000 के करीब अपीयर हुए हैं कैंडिडेट। इसके अलावा और कैंडिडेट भी होंगे जो मैनेजमेंट कोटे के लिए बाद में रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाएंगे, वो कितनी गिनती होगी, ज्यादा गिनती नहीं होगी। आप अप्रोक्सीमेट लेके चलिए कि अगर 22,000 है तो 13,000 के करीब, जब 13,000 आप लगा लीजिए तो ये कितने परसेंट, 60% सीट्स चाहिए और देखिए 40% सीट्स फिर भी खाली रहनी है। सो ज्यादा कंपटीशन है ही नहीं, आप घबराओ घबराइए मत। आप हाँ, सिर्फ ये गवर्नमेंट और प्राइवेट का है, जिनके पास फीस की दिक्कत है उन मैं मतलब दुख है कि हमारा सिस्टम अभी भी उन बच्चों को, स्टूडेंट्स को फीस प्रोवाइड नहीं करवा सकता। इतने गवर्नमेंट कॉलेज हमारे है ही नहीं, जो एडेड कॉलेज है वो भी लगभग फीस उनका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा। और प्राइवेट का तो कोई भी रूल नहीं है फीस के रिगार्डिंग। तो ये अब अगर आप गवर्नमेंट में जाना चाहते हो, आपने ये डिसाइड पहले करना है कि आपके सब्जेक्ट कौन से करने हैं प्रेफर। ये क्यों ज्यादा जरूरी है, इससे ज्यादा कि गवर्नमेंट है, एडेड है या प्राइवेट है, इससे ज्यादा क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको ये पता है कि ये जो नई सरकार आई है, देखिए अभी से जॉब्स निकल रही है, ये एक्सपेक्टेशन है। तो आपने, आपके पास कितना टाइम है, 2 साल है, 2 साल के बीच में आपने पीटेट सीटेट भी क्लियर करना है, वो साथ में हो सकता है अगर आप मोटिवेटेड हो तो। अगर आप क्लियर कर लेते हो, उधर गवर्नमेंट जॉब निकल आती है तो नेचुरली है आप कूद जाओगे जॉब के लिए। तो अगर आप सब्जेक्ट चेंज कर लेते हो, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज या अपना मनपसंद नेड़े वाला कॉलेज या कम फीस वाला कॉलेज नहीं चेंज करते, तो आपको एलिजिबल अच्छे सब्जेक्ट के लिए होने के लिए एडिशनल देना पड़ेगा, 1 साल उसमें लग जाता है, वो गाइडेंस अलग से मिले। दैट इज वाई आपने प्रेफरेंस किसको देनी है। इतने ज्यादा फैक्टर है, फीस है, गवर्नमेंट कॉलेज है, लोकेशन है, जो अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो ये आप पर डिपेंड कर देगा। इस पर इसकी प्रेफरेंस के बाद ही आपको तसल्ली होगी, लेकिन इसकी प्रेफरेंस के बाद भी ज्यादा खतरे की घंटी नहीं है, क्योंकि 40% सीट तो खाली लगभग रहेगी। अच्छा, लास्ट ईयर से आप कंपैरिजन कर सकते हो, लास्ट 2021 में क्या हुआ था। देखिए बड़ी अजीब बात है, लगभग इतने ही 13,000 कैंडिडेट ही पिछली बार थे, तो ये देखिए कि क्या सारे सभी, किसी को कोई रह गया जिसको सीट ना मिली हो। हाँ, किसी की टेक्निकल प्रॉब्लम है, एलिजिबिलिटी नहीं बनती, फॉर्म नहीं फिल कर सके, रिटर्न यूनिवर्सिटी की जा चुकी है, उसके बाद वो उसको जागे हैं कि यार बीएड करनी है, तो ये उनका कसूर है, किसी और का नहीं है। अभी भी आप जागे हो तो ये 100% श्योर है, ये लिख दिया कि 100% श्योर, अगर आप एलिजिबल हो, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके अवेलेबल है, अवेलेबल तो है, क्योंकि कई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बड़े ऑड हैं, जो लैंग्वेज ऑनर वाले हैं, जहां ऑड कॉम्बिनेशन की एक डिफरेंट वीडियो बना दूंगा, नेचुरली उनको देखने वाले बड़े कम होंगे, लेकिन मुझे ये लेना देना होता है कि कोई टेंशन में ना हो, टेंशन कम होनी चाहिए। तो ऑड कॉम्बिनेशन वालों की प्रॉब्लम हो सकती है कोई, कि वो उनका जो कॉम्बिनेशन है, संस्कृत है जैसे, और भी कई हैं, वो अवेलेबिलिटी किसी यूनिवर्सिटी में आपकी में नहीं है, जहां वो अवेलेबिलिटी है दूसरी यूनिवर्सिटी में, दूर है कहीं, तो ये प्रॉब्लम अलग से होगी, ये बहुत कम पॉपुलेशन की कैंडिडेट्स की होंगी। तो यहां तक हम ये डिस्कस कर पाए हैं कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स सफिशिएंट है, रजिस्टर्ड कैंडिडेट बेशक इतने से ज्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि कई बार हम भी रजिस्टर्ड हो जाते हैं, रजिस्टर्ड इसलिए कि आपको समझाना है, लेकिन फीस पे नहीं करते, ये ज्यादा रजिस्टर्ड इसलिए थे। एक्चुअल संख्या जो यही है 12,892। तो अगला जो फैक्टर है कि आप घबराना चाहिए या नहीं, बेशक नहीं घबराना चाहिए। हाँ, एरिया नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एरिया कौन सा है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, पठानकोट और चंडीगढ़ में बीएड कॉलेजेस कम है, रिलेटिवली कैंडिडेट ज्यादा है, क्योंकि ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि ऑलरेडी जो एनरोल कर लेते हैं, कॉलेज लेवल पर कर लेते हैं,
वो जितने कैंडिडेट है उससे ज्यादा एनरोल कर चुके हैं वो, है ना, ये अजीब सी गड़बड़ है। तो इससे ये पता चलता है, और कई एरिया में अभी तक 50% तक भी एनरोलमेंट नहीं हुई जो लोकल लेवल पर रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, तो वहां खतरे की गारंटी ज्यादा है। ओवरऑल तो 40% खाली ही रहनी है ना सीट्स, इनके लिए भी ज्यादा वो नहीं है। अब ये देखना होगा, अगर पठानकोट में गवर्नमेंट कॉलेज है, पठानकोट में मेरे ख्याल में कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, चंडीगढ़ में है, वहां पर कंपटीशन है, चंडीगढ़ का एरिया मोस्ट कॉम्पिटेटिव कहा जा सकता। तो ये पहला निचोड़ रहा, आगे चलते हैं इसको रब करके। और फैक्टर जो है इसके बाद जिनको आप ध्यान में रख सकते हो, टेंशन को कम कर सकते हो, कट ऑफ कितनी रहेगी, यही बात चल रही है ना, तो कट ऑफ कोई नहीं है, क्योंकि इसका सीधा आंसर है ये डिपेंड करेगा, पीछे बात कर रही है वैसे, ये डिपेंड करेगा आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, और आपका एरिया क्या है, क्योंकि उस एरिया में हो सकता है किसी एरिया में ज्यादा कॉम्पिटिशन है, किसी में नहीं। पंजाब लेवल का कॉम्पिटिशन नहीं है आपका, आपके एरिया का कॉम्बिनेशन है, आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का और आपकी कैटेगरी का सिर्फ कॉम्बिनेशन है, दैट इज वाई सिंगल कट ऑफ नहीं बताई जा सकती। दूसरा पॉइंट की कट ऑफ क्यों नहीं बताई जा सकती, 2019 का लास्ट जो मैंने पिछले पेपर डिस्कस किया है, 2019 का 20 का क्यों नहीं किया, 2021 का क्यों नहीं किया, क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट हुआ ही नहीं है, है ना, कोविड के कारण सिचुएशन ऐसी बन गई कि अच्छा 2 साल अगर एंट्रेंस टेस्ट नहीं हुआ तो हम पिछली कट ऑफ कहां से लाएंगे, जो पहले वाली इतनी पुरानी कट ऑफ है वो नेचुरली सिनेरियो चेंज हो चुका है, दैट इज व्हाई पिछली हिस्ट्री जो बीएड एंट्रेंस टेस्ट की है वो गाइड नहीं कर रही हमें कि कट ऑफ क्या रहेगा, यही बेटर है कि कितनी सीट से कितनी खाली रहती है और कितनी फिल हो जाती है, ये आपके लिए तसल्ली के लिए है। और फैक्टर है जिनको, फॉर एग्जांपल आपको पहले क्या होगा कि आपको सीट कॉलेज अलॉट हो गया, कॉलेज अलॉट होकर 3 दिन दिए जाएंगे कि जाते जी अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के और फीस जमा करवा लो, आप टेंशन में आ जाओगे यार नहीं ये कॉलेज मुझे सूटेबल नहीं है, मान लीजिए 10% कैंडिडेट को, 5% को होगा, सभी को नहीं होगा, तो ये कॉलेज सूटेबल नहीं है यार, यहाँ ये प्रॉब्लम एक्स वाई जेड प्रॉब्लम नहीं अभी डिस्कस करूंगा, तो आप क्या करते हो कि आप टेंशन में आ जाते हो, लेकिन आपके लिए प्रोविजन रखी गई है शिफ्टिंग की कि शिफ्ट कर सकते हो, ये यूनिवर्सिटी ये देखिए 5 सितंबर को शिफ्टिंग कॉलेज है ना, द कैंडिडेट हु हैव बीन एलोकेटेड द कॉलेजेस एज पर देयर फर्स्ट चॉइस हैव टू पे शिफ्टिंग फीस ₹1000 लीजिए इन केस दे वांट टू शिफ्ट टू सम अदर कॉलेज इन सेकेंड काउंसलिंग, इट मीन्स आप कॉलेज शिफ्ट कर सकते हो। मोस्टली जो कॉलेजेस बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी चॉइस का जब नहीं मिलता वो इजीली शिफ्ट कर लेते हैं, बस आप टेंशन किस बात की लेते हो, 1000 इसकी मत टेंशन लीजिए, क्योंकि आपने 2 साल गुजारने हैं, आपको गाइडेंस चाहिए, पीटेक सीटेक तक पहुंचना है, जॉब तक पहुंचना है, लर्न भी करना है ना। आगे और फैक्टर है वो मैं डिस्कस करता हूं, अटेंडिंग नॉन अटेंडिंग जो एक कैंसर लगा हुआ है इंडिया की एजुकेशन सिस्टम को, उससे भी गुजर के जाना है ना। तो ये शिफ्टिंग है, आप वहां इस वक्त पर आप जाके वो मैं तब गाइड कर दूंगा जब आपको मिलेगी, आप टेंशन में हो गए इस डेट के नियरली, तो मैं वीडियो डाल के बता दूंगा कि आपको करना क्या है, आपको फीस जमा उस कॉलेज में करानी है नहीं करानी है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं, ये सब गाइड कर दूंगा, रियल बता रहा हूं, टेंशन की नहीं, सिर्फ आपको गाइडेंस की जरूरत है। वापिस चलते हैं वहां पर, ये रहा। अच्छा क्या होता रहा है कि लास्ट में तो ओपन ही हो जाती है जी, जो सीट्स हैं दो काउंसलिंग ही होनी है, 2 सीट्स के बाद ओपन हो जाती है कि जिसने जहां टेस्ट दिया हुआ होना चाहिए, जिसने जहां सीट लेनी है वहां जाके कॉलेज जो गाइडलाइन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी उसके अनुसार वो सीट वहां ले सकता है। तो यहाँ तो टोटल मेला ही लग जाना है, मतलब सबसे आसान काम हो जाना है। वो बात कर दूं मैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट और ये वाला जो है गवर्नमेंट एडेड और प्राइवेट, ये देखिए गवर्नमेंट कॉलेज का सीधा संबंध फीस कम से है, ठीक है, कितनी फीस है मेरे ख्याल में 40 के करीब पड़ जाती होगी, 30-40 के करीब मिनिमम इतनी फीस होगी, कंफर्म करके बता दूंगा। ओके, गवर्नमेंट कॉलेज का संबंध क्या है, किससे है, अटेंडिंग से है, वहां पर रूल चलेगा ही चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में पीछे कुछ ऐसी
इवेंट्स हो चुके हैं जिसके कारण वो सिस्टम जो गवर्नमेंट के टीचर हैं वो कोई रिस्क नहीं लेते, वो अपने रूल को पूरा फॉलो करते हैं, दैट इज व्हाई अटेंडेंस पूरी हो गई। यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज बेस्ट मैं कह रहा हूँ कि वहां बच्चे जा रहे हैं, वहां का सिस्टम उन्होंने अच्छा कल्चर मेंटेन रखा है, है ना। ऐसे ही एडेड ने भी काफी हद तक मेंटेन किया है ना, ये डिपेंड करता है कि कैसा वो कॉलेज है, उन्होंने कितना कॉम्प्रोमाइज किया है अटेंडिंग और नॉन अटेंडिंग के बीच में, किया है नो डाउट, लेकिन वो बीच में है कितना किया है ये हम कॉलेज वाइज कह सकते हैं, 21 के कॉलेज के करीब यही है। अच्छा, तो अब ये नॉन अटेंडिंग हम क्या करते हैं, कई जो बच्चे जॉब्स कर रहे हैं जहां जिन्हों घर की प्रॉब्लम है एक्स्ट्रा एक्स वाई जेड जो भी है, वो नॉन अटेंडिंग करना चाहते हैं, इस पर डिफरेंट वार्निंग दे रहा हूं मैं, इस बार नॉन अटेंडिंग एक खतरा होगी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, फिर भी मैं 100% नहीं कहता कि इसको रिमूव करने की कोशिश होगी। अच्छा, नॉन अटेंडिंग जो करना चाहते हैं नेचुरली है कि वो गवर्नमेंट में नहीं जाएंगे, जो पूछ रहे हैं कि गवर्नमेंट में हमें सीट मिल जाएगी नहीं, वो जाएंगे एडेड में भी बहुत कम जाएंगे, वो जाएंगे प्राइवेट में, मतलब 80-90% तो यही कॉलेज है, अभी कॉलेजेस की लिस्ट भी दिखा देता हूं। तो नेचुरली जिस शख्स ने यहां जाना था वो यहां चल गया, उसने दुगनी फीस दे दी, मतलब प्राइवेट की नेचुरली ज्यादा ही होगी, फीस किसी की नहीं अभी डिस्क्लोज कर रहा हूं, तो यहां चला गया और ये जो गवर्नमेंट की सीट है वो खाली रह रही है, नेचुरली जो टेंशन में है कि यार मेरे पास फीस नहीं है, मेरे को करीब चाहिए वगैरह वगैरह, गवर्नमेंट में ही जाना, मैंने अटेंडिंग ही करनी है, सबसे अच्छी बात जो अटेंडिंग करना चाहते हैं, वेरी नाइस, तो वो जो है गवर्नमेंट में उनको मिलने की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जो बच्चे सोच रहे हैं ये रियल प्रैक्टिस से बता रहा हूं मैं, क्योंकि इतने सालों से हो रहा है, ये सब कुछ तबाह हो चुका है, सब कुछ तबाह हो चुका है, किसी को कानों कान खबर नहीं है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम तबाह हो चुका है। तबाही क्या है कि नॉन अटेंडिंग, इतना कुछ, इतनी पॉलिसी, सब कुछ बन रहे हैं। मेरा एक ही क्वेश्चन होता है यार, बच्चे आएंगे और ये जो कैंसर है, जहां एड्स है, जो ये नॉन अटेंडिंग वट एवर जो कोड है, ये सारे इंडिया में लगा हुआ है। अच्छा, नॉन अटेंडिंग वो जो जॉब करके वो बच्चा कहता है कि मैं इतने ज्यादा कमा लूंगा, मान लीजिए तो उसमें से 20-30% से मेरी बीएडी हो जाएगी, फीस भी निकल जाएगी, दैट इज वाई वो गवर्नमेंट में क्यों जाएगा, वो गवर्नमेंट में नहीं जाते, यहां पर गवर्नमेंट वहां उसका लॉस है, तो वो प्राइवेट में आते हैं, दैट इज वाई आपको पेंशन उतनी कम लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो दिस इज ए मेजर फैक्टर कि आप क्या चूज करते हो, यार मैंने नहीं जाना, अभी तक टेंडेंसी ये चल रही है, ये बिल्कुल गलत है, इंस्पेक्शंस होनी है कॉलेज की, मैं डिफरेंट वीडियो इस पर निकाल दूंगा। आप अगर कहोगे कि नॉन अटेंडिंग से क्या खतरे हैं, हाँ खतरे हैं सच में, और खतरे होने भी चाहिए, अच्छी अच्छी बातें करने से नहीं, अच्छी प्रैक्टिस से, गलियां सी चंगियां अचारी बुरियां, और सच में ये हो रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। देखिए एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट कॉलेज 5 जो डिस्ट्रिक्ट में है, फर्स्ट ये जलंधर, इट मींस यहाँ के जो स्टूडेंट है उनका कंपटीशन जलंधर के लिए होगा, 100 सीट्स है वहां पर, जलंधर गवर्नमेंट कॉलेज हो गया। दूसरा हो गया फरीदकोट, यहाँ भी शायद 100 सीट्स ही है। तीसरा हो गया यहाँ पर पटियाला, 150 सीट्स हैं, चंडीगढ़ 100 सीट्स हैं, और ये मलेरकोटला है, वहां पर मलेरकोटला में 50 सीट्स हैं। तो ये एरियाज हैं, फॉर एग्जांपल ये एरिया है, और इनके जो स्टूडेंट हैं दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि कारण ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पर 100% आपको अटेंडेंस जाना पड़ेगा, मतलब 100% अटेंडेंस चाहिए, आपको जाना ही पड़ेगा, और जितना भी क्राइटेरिया 80% या 75% वो जाना ही पड़ेगा। तो ये जो दूर, कई बार क्या होता है कि जो स्टूडेंट हैं उनकी सेटिंग, कई बार दूर भी बच्चे चले जाते हैं, ऐसे लालच भी हैं, मार्क्स का है, यूनिवर्सिटी में से मार्क्स जाता है, इंटरनल असेसमेंट नहीं कट रही, सस्ती मिल रही है, वहां रिश्तेदार है, ऐसे भी हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो नॉर्मली
इकोनॉमिक उनकी जो डाउन होगी हालत है ना, तो वो प्रेफर करेंगे और जो रेगुलर जाएंगे वो प्रेफर करेंगे। दैट इज वाई जो जॉब वाले पहले बात करके आया हूं, और जो नहीं जाना चाहते वो गवर्नमेंट कॉलेज में हाई रैंक होने के बाद भी गवर्नमेंट इन कॉलेज में नहीं जाएंगे, दूसरे कॉलेज में जाएंगे। 21 कॉलेज एडेड काफी कॉलेज है, 21 कॉलेज है मेरे, थोड़े पटियाला यूनिवर्सिटी में नहीं है, गुरु नानक और पंजाब यूनिवर्सिटी में ही ज्यादा ये कॉलेज है एडेड कॉलेज, लेकिन इसमें ज्यादा फर्क मेरे ख्याल में नहीं है। हाँ 20% का, 10-20% का फर्क होगा, लेकिन वहां यहाँ भी जाना पड़ेगा, मोस्टली अटेंडिंग ही ये होगी, अटेंडिंग होगी। लिस्ट ऑफ कॉलेज अंडर डिफरेंट यूनिवर्सिटी हु हैव सबमिटेड मैंडेटरी परफॉर्मा एंड एलिजिबल, ये कॉलेजेस ने मैंडेटरी परफॉर्मा सबमिट करवाया, यूनिवर्सिटी की लिस्ट है, इतनी सीट्स है, इसमें कॉम्बिनेशन क्या क्या किसमें है वो अभी डिस्प्ले होने हैं, है ना। तो ये पहले रही गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की, ठीक है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की, इसके कितने कॉलेज हैं ये देख सकते हो, ये रहा कॉलेज, अगर आपने लिस्ट देखनी है यहाँ जाके आप देख भी सकते हो। बता दूं आपको, आप जाते हो यहाँ पर पंजाब बीएड एडमिशन में जाते हो ना, यहाँ पर ये जो है लिस्ट ऑफ बीएड कॉलेज फॉर ज्वाइंट पंजाब बीएड एडमिशन 2022 एज 30 जून 2022 को अपलोड की गई है, इसको यहाँ पर क्लिक कीजिए, आपको लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। और लिस्ट अपने नजदीक, अगर आपको नॉलेज नहीं है कि मेरे नजदीक ये वाला कॉलेज भी है, तो अभी आपको नॉलेज लेनी चाहिए, क्योंकि चॉइस प्रेफरेंस आपने फिल करनी है। और बेस्ट आइडिया ऐसे होता है कि जो सीनियर्स आपके हैं उस कॉलेज से पास करके गए हैं, उनसे इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत ले लेनी चाहिए, बाकी आपकी प्रेफरेंस आपको पता होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप चॉइस ये फिल करोगे। ये हुए गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, ये रहे, मेरे ख्याल में दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में है 51 कॉलेज, 55 हो गए अभी, सॉरी 50 कॉलेज हैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में कितने हैं ये बन गए, कहां पर एंड होता है 50, उनमें से निकाल देना आप, ये रहा 109, इट मीन्स 59 कॉलेज है पंजाब यूनिवर्सिटी में है, और 204 टोटल हो गए, है ना। तो ये टोटल पंजाबी यूनिवर्सिटी में बाकी के कॉलेज हैं, ये लिस्ट रही आपके पास। ये लंबी लिस्ट क्यों दिखा रहा हूं कि इतने कॉलेज हैं, सीट्स अवेलेबल हैं, टेंशन मत लीजिए, रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो टेंशन नहीं लेना, सभी को सीट मिल जाएगी। हाँ 2-4-5% कैटेगरीज हैं, लेकिन उनकी भी एडजस्टमेंट हो जाएगी। सो कोई कमेंट हो, एक वीडियो बनाता हूं जिसमें आपके क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उनका उत्तर देता हूं, क्योंकि यूनिक जो थोड़े डिफरेंट है वो एक वीडियो में नहीं डाले जा सकते, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। लर्न टू एक्चुअलाइज, डॉक्टर तीरथ सिंह, थैंक यू।